वहीं बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय पहुंच दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 संगठन की जिला कोर कमेटी की बैठक लेकर प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय पहुँच दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 संगठन की जिला की कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें संभाग के सभी जिले से भाजपा नेता व पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी कड़ी में भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस समर्थित सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बंदरबांट कर रही है, इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भाजपा इस मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं इस बैठक में दुर्ग संभाग निवास करने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे, इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस के विषय उठाया है कि किस प्रकार से भूपेश सरकार ने 16 लाख हितग्राहियों का आवास लौटा दिया और केवल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से केवल राजनीति करने के कारण अपने चेहरे को चमकाने के कारण गरीबों का आसियाना छीनने वाला भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी हो रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां पंचायतों में भी हितग्राहियों के साथ आंदोलन को शुरुआत किया, फिर विधानसभा के हर विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए, तो ये और जिले स्तर के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में हितग्राहियों के इस विषय को लेकर मोर आवास मोर अधिकार के इस आयोजन को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का स्वरूप बनाया है और आने वाले इसी महीने में विधानसभा के घेराव की योजना बनाई। स्पष्ट रूप से इस सरकार की जो नाकामियां रही हैं, भ्रष्टाचार माफियागिरी इस सरकार की USP रही है। भूपेश कहते हैं हमने विकास किया है, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि कोई एक विकास की योजना बताओ जो आपने ज़मीन पर उतारा हो। केवल रेवड़ी बांटने से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को जहाँ 1.5 लाख करोड़ का आपने कर्ज में डुबो दिया है और आज अब रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट को उठाएगी, चाहे वो माफियागिरी का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, और साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं को पूरी तरह से रोकने का काम जो भूपेश कर रहे हैं उसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। निश्चित रूप से विधानसभा का घेराव करेंगे। जनता के अदालत में ये विषय को हम लोग लेके गए हैं और जनता हमारे साथ आज खड़ी है, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को विधानसभा घेराव के रूप में ले जाएंगे और पूरी तरह से भूपेश सरकार का चेहरा जो है वो दिख रहा है कि कैसे गरीब का आसियाना छीनता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।